न्यूज 18 के तमाम दर्शकों से आज हम माफी मांगते हैं, खासकर अगर आपके घर में बेटी है। बेटियों, हमें माफ करना, क्योंकि सियासत अभी जारी है। मऊआ मोइत्रा, काकोली घोष, डोला सेन, सागरिका घोष, सुष्मिता देव, इन सब की नेता देश की एकमात्र मौजूदा महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुल मिलाकर 11 महिला लोकसभा सांसद, 4 महिला राज्यसभा सांसद, आंकड़ा कितना हुआ, लगभग 33 महिला विधायक। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के पास महिला नेताओं की एक लंबी फौज है, और इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो देश भर के मुद्दे पर इतनी मुखर आवाज है कि अच्छे अच्छे वक्ताओं को पानी पिलावे। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल की ये दिग्गज चेहरे आज खामोश है, चुप है। एक दो नेताओं ने बयान दे दिया, बस खानापूर्ति के लिए दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया, क्योंकि उनसे बे इंतहा सवाल पूछे जा रहे थे। तो क्या करते, मुंह तो छुपाना था, सफाई तो देनी थी, लीपा पोती तो करनी थी, तो एक आध बयान जरूर आ गया, लेकिन वो तीखापन गायब है दोस्तों, जो हर मामले में दिखता है ना, चीख चीख कर सवाल पूछना, लोकतंत्र की हत्या हो गया ऐसे हाथ उठा उठा कर बातें करना, आज वो सब गायब है। कहां गायब है और क्यों? ऐसा लगता है मानो इन सभी दिग्गजों के मुंह में दही जम गया है, बड़ा सा ताला किसी ने लगा दिया है। किसने लगाया है? सियासत ने, यही टीएमसी है ना। ये तस्वीरें देखिए आप, कौन दिख रहा है, वो बीच में चलता हुआ कोई आपको शख्स दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में? ये मार्च निकाला जा रहा है, पैदल मार्च, टीएमसी का पैदल मार्च। कहां निकाला जा रहा है? पश्चिम बंगाल। क्यों निकाला जा रहा है? 1350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटी रेप की घटना और हत्या की वारदात के बाद ये मार्च निकाला जा रहा है। और अच्छी बात है, देखिए मैं कह रही हूं, देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी औरत के साथ अगर हिंसा होती है, अगर इस तरीके का जघन्य अपराध होता है, तो वो देश के किसी कोने में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आंदोलन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं कह रही हूं, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। सड़क से संसद तक तहलका मचा था, याद कीजिए, और तस्वीरें आपको दिख रही है, तस्वीरों में जो चेहरे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी आपको दिख रहा है, और उसका नेतृत्व जो कर रही थी वो ममता बनर्जी थी। हाथरस की पीड़िता के लिए ममता ने कोलकाता, उनके सांसदों ने दिल्ली और हाथरस तक प्रदर्शन किया था। ममता के खासम खास नेता डेरेक ओब्रायन हाथरस मामले में सड़क पर लेट गए थे, लेकिन कोलकाता में मुख्यमंत्री आवास से महज 5 किलोमीटर दूर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप और बर्बरता हुई है, उस पर सब खामोश है। कोई मार्च नहीं निकल रहा, कोई जमीन पर नहीं लेट रहा, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, मानो सन्नाटा पसर गया है। टीएमसी के जो बेखौफ नेता घूमा करते थे, सब मानो खौफ में आ गए, वो भी तब जब कोलकाता रेप कांड को निर्भया पार्ट 2 कहा जा रहा है। यानी 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को ऐसे विभत्स घटना को अंजाम दिया गया, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट देखकर आपका दिल दहल जाएगा। उस महिला डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के दरिंदे ने रेप किया, रेप के बाद मानवता को तार तार कर देने वाले सारे कृत्य किए गए, और ये आपके सामने पोस्टमार्टम, अर्धनग्न हालत में शव मिला है महिला। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी आंखों से खून बह रहा था, और वो इसलिए क्योंकि जो चश्मा उसने पहना था उस पर इतना जोर का वार किया गया था कि उसकी आंखों में शीशे धस गए थे, उसके मुंह से खून निकल रहा था, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून रिस रहा था। याद कीजिए, जब ऐसी ही विभत्स घटना 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुई थी, तो सड़कों पर जन सैलाब उतर गया था। उस एक घटना के कारण दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार इतनी कमजोर हो गई थी कि महज 1 साल के अंदर चुनाव में खुद शीला दीक्षित अपना चुनाव हार जाती। तब दिल्ली में भी एक महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी,
खुलेआम वो कृत्य पर शर्मिंदगी जता रही थी, याद कीजिए, जबकि दिल्ली का प्रशासन उनके हाथ में नहीं था कंप्लीटली एंटायरली। लेकिन आज बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई प्रोफाइल अस्पताल में ठीक वैसा ही विभत्स कृत्य हुआ है और सरकार चुप है। चुप्पी ऐसी कि मामले में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। राज्य सरकार से पीड़िता का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन राज्य सरकार क्या कह रही थी, 7 दिन बाद जांच सीबीआई को हम सौंपेंगे, अभी सिर्फ 7 दिन का हम पुलिस को वक्त दे रहे हैं। आरजीकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सरकार ने महज 4 घंटे में वापस नौकरी पर भेज दिया। प्रिंसिपल के लिए सरकारी काउंसलर हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट ने मामले की तुरंत सीबीआई जांच की के आदेश दे दिए, प्रिंसिपल को फौरन छुट्टी पर जाने के आदेश दे दिए और सरकारी काउंसलर पेश करने पर भी हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई कि गजब है। राज्य सरकार 10 अगस्त से 13 अगस्त तक किस चीज का इंतजार कर रही थी, जब देश भर के सारे डॉक्टर आंदोलन पर उतर आए, लगातार डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद हाईकोर्ट को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। और जो खबरें अब सामने आ रही है वो तो राज्य सरकार और बंगाल की पुलिस पर और संदेह पैदा कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीबीआई के आने से पहले ही क्राइम सीन को डैमेज कर दिया गया, चीज इधर से उधर कर दी गई ताकि सबूत मिट सके। क्या बंगाल पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है, ममता सरकार क्राइम के खिलाफ सही मंशा से काम करना अगर चाह रही है, तो फिर उनकी दिग्गज महिला नेताओं ने क्यों चुप्पी साधी? आए ना सामने, किसी ने रोका है? देश के सामने उदाहरण स्थापित करें ना। सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव उसी देश से आती है, महिला मुख्यमंत्री उसी राज्य से आती है, सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनकर वहीं से आई। वहां रेप और हत्या जैसी अगर निर्मम घटना होती है तो वहां की सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर क्यों नहीं आ रही? और मैं कह रही हूं, ठीक है आपको अपनी पार्टी का सपोर्ट करना है, तो फिर याद रखिएगा कि अगर आप महिलाओं के खिलाफ केसेस को, अपराध को इन बाउंड्रीज में देखते हैं, आइडियोलॉजी में देखते हैं, तो अगली बार फिर कोई हाथरस में इस तरीके से सड़क पर उतर कर मत आइएगा, क्योंकि फिर आपके बोल हल्के लगेंगे, फिर लग जाएगा कि आपको सामने वाले के साथ सियासत करनी है और सामने वाले के खिलाफ सियासत करनी है। इसीलिए आप महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, उन घटनाओं को आप एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। क्या देश की बच्चियों को आज आप जवाब देंगे? उस पीड़िता का अपराध क्या था मुझे बताइए, कि अपने ओवर टाइम में थक मानकर वो अस्पताल में थोड़ी देर के लिए आराम करने चली गई, यह अपराध था उसका? एक महिला को उसके वर्किंग प्लेस में पुलिस सुरक्षित नहीं रख पाई, यह अपराध था उसका? एक पुलिस ही के लिए काम करने वाला दरिंदा उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, यह अपराध था उसका? 5 दिन से मामले में लीपापोती हो रही है, पूरा सिस्टम चुप बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी सियासत को यह सूट नहीं होगा। अब बलात्कार जैसी घटनाओं में भी अगर सियासत का स्तर यह होगा तो आप सियासतदार से पहले मत भूलिए इंसान है। एक मां की कोख से आप लोगों ने जन्म लिया है और उस मां के साथ अगर इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो आपको शर्मसार हो जाना चाहिए। संसद में जो हाथ उठा उठाकर ज्ञान और भाषण देते हैं, आज वो भाषण आपको सड़क पर निकलकर अपनी ही मुख्यमंत्री और अपनी ही पुलिस के खिलाफ देना चाहिए। इंसानियत के नाते ही सही, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, इफ एंड बट के बगैर, याद रखिएगा। और शुक्र है इस बात का कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की आंखें खुल गई, करीब 40 मिनट पहले ही इस मामले पर उन्होंने ट्वीट कर दिया, शुक्र है। देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है। राहुल ने कहा है कि मामले में लीपापोती गंभीर सवाल खड़े करती है, आज कोलकाता कांड की जो चुप्पी है वो आगे महिलाओं के समर्थन में आपको मुखर आवाज को कमजोर करने का काम करे, ये हम कह रहे हैं। और इसीलिए आज गूंज में कोलकाता कांड पर हो रही सियासत पर चर्चा भी और तीखे सवाल भी जरूरी है, आपका साथ चाहती हूं। ये महिलाओं की इस्मत का, महिलाओं की इज्जत का, महिलाओं के हक का सवाल है और उस सवाल का जवाब मांगना आज बहुत जरूरी है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ गूंज में।
बीजेपी से जफर इस्लाम साहब राष्ट्र प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त यहाँ स्टूडियो में। तहसीन पुनावाला मेरे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। तहसीन बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। बाकायदा देवनाथ बादल देवनाथ जी जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी का पक्ष रखते हैं, टीएमसी के नेता हैं, और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, काय मार्च की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं मैडम, पहले आपने जो 10 मिनट भाषण दिया ना, उसमें तो बहुत सारे कुछ आपने ममता दीदी के खिलाफ और बहुत सारे महिला लीडर के खिलाफ आपने बता दिया, लेकिन देश के लोगों के सामने टीएमसी का बदनाम करना, टीएमसी का छोटा करना, ममता बनर्जी को छोटा करना, मैं पता नहीं ये नेशनल चैनल को क्या हो गया। ममता बनर्जी को छोटा करना, सभी को, बंगाल को छोटा करना, यही नेशनल का काम है। लेकिन ममता दीदी, पहले ही आपके बात के ऊपर मैंने आपको कहना चाहता हूँ, ममता दीदी सबसे पहले कह दिया, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया था संडे तक मैं देखूंगा, उसके बाद सीबीआई का जांच मैं खुद दे दूंगा, ये ममता दीदी ने कहा। लेकिन उसके एक दिन पहले हाईकोर्ट ने राय दे दिया सीबीआई जांच चाहिए। बिल्कुल हम लोग तो भी चाहते थे इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, लेकिन मैडम जो हुआ, जिस कारण में जो एक महिला डॉक्टर को जैसे रेप किया, मारता किया, ये तो पूरे बंगाल और बंगाल के माँ बहन का सबका बदनाम हुआ, सारे देश में, जो जिस राज्य में जिस जिला में ऐसे होता है महिला को ऊपर अत्याचार होता है, इसका तो पूरा देश का बदनाम होता है। कौन इसको बादल देवनाथ जी, घटना कब की है? सुन लिया मैंने आपके भाषण को, घटना कब की है, क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप बताइए, घटना कब की है, तारीख बताइए। 6 दिन हुआ, 9 तारीख की घटना है, आज छोटा दिन चल रहा है। कितना टाइम चाहिए आपको सीबीआई जांच के लिए, कितना टाइम चाहिए? बंगाल क्यों 13 तारीख को कोर्ट में कहना पड़ता है? ममता बनर्जी की मुखालिफत करने यहाँ कोई नहीं आया है, ठीक है? सुनिए, ममता बनर्जी के लिए ये बटरिंग आप बाद में करना, अभी एक महिला के साथ न्याय की बात कर रही हूँ। ये सब सुनिए, ये सारी चापलूसी आप कहीं और कीजिएगा, यहाँ पर नहीं। बादल जी, मैं बहुत क्लियरली आपको कह रही हूँ, नेशनल मीडिया क्या चाहते हैं आप? हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठ जाए, क्या चाहते हैं नेशनल मीडिया क्या करे? आंखें बंद कर ले, पूरा देश इसको दिल्ली की घटना से जोड़ रहा है, और आप कह रहे हैं पता नहीं नेशनल मीडिया को क्या हो गया है। कुछ तो शर्म होगी ना आप में बादल जी, कुछ तो शर्म बची होगी। मैं कह रही हूँ मार्च करने के लिए टाइम बताइए, ममता बनर्जी कब मार्च करने आ रही है? हाथरस की बेटी के लिए आई थी, कलकत्ता की बेटी कुछ नहीं है, 1500 किलोमीटर दूर हाथरस की घटना के लिए आई थी ना ममता बनर्जी? उम्मीद कर रहे हैं ना ये बंगाल में बैठे परिवार वाले कि वो उनके लिए भी मार्च करेंगी? कब करेंगी, टाइम बताइए मुझे, कब करेंगी? मैडम आप जो लोग हमला कर रहे हैं, जो लोग धरना दे रहे हैं डॉक्टर के साथ, सीपीआई सीपीएम का, छात्र फेडरेशन का, ये स्टूडेंट यूनियन का, ये लोग हम पर है, आपको पहले जान देंगे। मुझे बताइए तो ये नाटक था, ये नाटक था ममता बनर्जी हाथरस की घटना में जब बाहर निकली थी वो नाटक था, नौटंकी थी। हाँ, आपके नेता और आप, वो आपके नेता कुणाल घोष क्या कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में नाटक कर रही है, तो मतलब यही कि ममता बनर्जी महिलाओं के लिए जब जब आवाज बुलंद कर रही थी नाटक कर रही थी? नहीं नहीं, ममता बनर्जी नाटक कर रही है, क्यों, कौन बोला है? कुणाल घोष ऐसा कुछ नहीं दिया। नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं अभी कि टीएमसी? नहीं आप क्यों कह रहे हैं कि सीपीआई वाले नाटक कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आपके घोष बाबू, क्यों कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप झूठ बात बोलिए मैडम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं सोच समझ के बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ। मुझे यहाँ बैठ कर किसी की चापलूसी नहीं करनी है, मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मैं सीधी और सपाट बात कर रही हूँ, समझ गए आप? सीधी और सपाट बात कर रही हूँ। आप ही के घोष बाबू है जो कह रहे हैं कि बीजेपी आकर नाटक कर रही है, तो मैं कह रही हूँ जब जब महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कोई आवाज बुलंद करेगा तो वो नाटक कर रहा है, यानी ममता बनर्जी हाथरस पर अगर मार्च कर रही थी तो नाटक कर रही थी? कर रहा है भाजपा नौटंकी, मैं भी बोल रहा हूँ ये नौटंकी का जगह नहीं है, आरोपी नौटंकी। तहसीन पुनावाला, आई एम श्योर इस मसले पर आपने कभी कोई राजनीति नहीं की है, और इस बार भी आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ। नाटक कर रहे हैं ये सब, ये जफर इस्लाम इनकी पार्टी वहाँ सड़कों पर निकल आए हैं, ये नाटक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, रूबिका जी, एक महिला जो गवर्नमेंट सर्वेंट थी
उसका एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने रेप किया। ये रेप होता है एक गवर्नमेंट अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने रेप किया, जो अक्यूज्ड है, वो वेस्ट बंगाल सरकार से पैसे ले रहा था, सैलरी ले रहा था। वो अक्यूज्ड है, उस पर पहले अपनी पत्नी पे मारने का केस थे, तब उसको क्यों वहाँ पर किया गया। दूसरी चीज़, कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल से क्वेश्चनिंग क्यों नहीं किया, प्रिंसिपल ने FIR क्यों दर्ज नहीं करवाया, और चार घंटे में प्रिंसिपल ने रिजाइन करने के बाद उसको दूसरी सरकारी नौकरी क्यों मिली। लास्ट चीज़, प्रिंसिपल ने ये कहा रिजाइन करते वक्त कि मेरे साथ राजनीति हो रही है, तो प्रिंसिपल इस बात पे रिजाइन नहीं किया कि उसके इंस्टीट्यूट में कोई महिला के साथ गलत काम हुआ, इस पे सवाल उठ रहे थे, तो उस पर क्यों नहीं। ये क्लियर अटेम्प्ट है सर, प्लीज बीच में मत बोलिए, क्लियर अटेम्प्ट है उसको बचाने के लिए। मेरा स्पष्ट सवाल है जफर भाई से और CBI से, क्या CBI प्रिंसिपल को अक्यूज बनाएगी, नंबर वन, पहली बात। और दूसरा एक सवाल जफर भाई, क्यों माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने इस पर अब तक बात नहीं की, उनको बात करनी चाहिए। जफर इस्लाम जवाब दे दिए। देखिए ऐसा है, अगर कोई इस मुद्दे को उठा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि महिलाओं के साथ खड़े होने वाली एक ही पार्टी है जो महिलाओं के साथ बार बार खड़ी होती है। आप जरा देखिए, ममता बनर्जी के तो ममता रहे ही नहीं, अब उनमें कोई ममता जैसी चीज नहीं दिखती है, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी जो पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी रहती हैं, लेकिन जो लोग क्राइम करते हैं उनके साथ, हादसा बता के उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। पूरे तौर से प्रोटेक्शन उनको पुलिस का मिल रहा है, पूरे तौर से प्रोटेक्शन जो है वो सरकारी संस्थाएं जो है मुख्यमंत्री जी के इशारे पे नाच रही हैं और बचाने का काम कर रही है। आज CBI ने भी कह दिया कि जो वहाँ पर एविडेंस है उसको भी कहीं ना कहीं खराब करने का काम करने वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो उससे समझ में आता है कि जो लोग, सही कहा आपने सवाल किया है रूबिका जी, कि मुखौटा पहनने वाले लोग, आज उनका मुखौटा उतर गया है। हाथरस में तो गए, हमने हाथरस की भी उसी तरह से मुखालफत की थी जैसे आज हम यहाँ पर मुखालफत कर रहे हैं। हमें महिलाओं के साथ खड़ा रहना है, महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं ये पार्टी, और प्रधानमंत्री ने बराबर और गृह मंत्री जी ने बराबर कहा है। इस बारे में मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कम से कम ये बात आप नहीं कह सकते। अगर कहना है तो ममता बनर्जी से पूछिए, जो मार्च करने गई थी, ममता बनर्जी भी के यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं हैं जो MP हैं, और हर बार महिलाएं इस तरह की बातें करती जैसे मानो के, सही कहा आपने रूबिका जी, मानो के उनके लिए यही सब बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज तक इस मुद्दे पे चुप क्यों रखे। मैं एक बात कह दूं आपको, चाहे BJP हो, चाहे TMC हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध को आप में से कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो एकदम खत्म कर दे, कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि अगर महिला के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध होता है तो सियासत ना हो, दैट्स इट। और आज मैं जो सवाल कर रही हूं, मुझे इसीलिए गुस्सा इस बात पर आया था कि महुआ मोइत्रा क्या बोलती है, आहा कितना तीखा बोलती है ममता बनर्जी, कैसे सड़कों पर उतर आती है बादल देवनाथ जी, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी को 6 दिन लग जाते हैं नाप तौल कर, सेबी पर बोल देंगे, घंटों दूसरी चीजों पर भाषण दे देंगे, लेकिन यहां पर ममता दीदी में तोला मौला टटोला, चेक किया, रीचेक किया अनंत विजय जी, और उसके बाद अभी 30-40 मिनट पहले ट्वीट किया है, बढ़िया अच्छा लगा के तीखा ट्वीट किया, लेकिन किया है, लेकिन तौल मौल के। अनंत जी आवाज नहीं आ पा रही है, आई थिंक म्यूट। सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही होगी अब मेरी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बादल देवनाथ जी को सुनकर बहुत अफसोस हुआ, राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ इनके नाम के आगे, लेकिन ये TMC से भी ज्यादा TMC स्क्वायर है ये, मतलब जिसको कहते हैं ना लॉयल देन द किंग। और अभी ये सारी बातें करने का क्या मकसद है आपको पता है? हाईकोर्ट ने CBI की जांच के आदेश करते हुए 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले तो इस जघन्य हत्याकांड को आत्महत्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य सरकार पीड़िताओं के परिवार के साथ खड़ी नहीं दिखती है, इससे ज्यादा सर्वनाक बात बादल देवनाथ जी और कुछ नहीं हो सकता, ये हाईकोर्ट कह रहा है, अनंत विजय नहीं कह रहा है। और रही बात जिस प्रकार से किंतु परंतु के साथ राजनीति होती है ना रूबिका जी, यही इस मानसिकता को बढ़ावा देता है, तुम्हारा बलात्कार मेरा बलात्कार। आज इसने अब कन्नौज से लेकर अयोध्या से लेकर सब जगह देखिए जाति की राजनीति शुरू हो जाती है। अरे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, हमने दिसंबर में देखा था जब दिल्ली का कांड हुआ था, तब सब लोगों ने सियासत छोड़ी थी, तब कोई हल निकला था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से सियासत होती है
जिस प्रकार से बादल देवनाथ जैसे लोगों की घटिया मानसिकता सामने आती है और उस प्रकार से बचाव करते हुए नजर आते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ कोई सहूलियत नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे राष्ट्र खड़े होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे, अभी 50 मिनट डेलीगेशन वो आपकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं और किसी चीज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आपको तो ये लगता है, सुनिए, मैं सुन रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप सेंस बात करेंगे तो सुने जाएंगे। बादल देवनाथ जी, सेंस तो बोलिए। आपके घर में महिलाएं हैं? क्यों भी रहेगा, मेरा तो माँ है, तो है ना, है ना, है तो फिर 74 है, तो फिर आपको इस बात का एहसास होगा ना, एक महिला के साथ अगर इस तरीके का कोई अपराध होता है, उसकी आंखों पर मुक्के मारे जाते हैं क्योंकि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। उस दर्द को महसूस कीजिए, बिल्कुल, और उसके बाद कोई बात कीजिए आप। मैडम, मैंने की चमचागिरी से फुर्सत मिले तब तो दूसरी चीजों पर विचार करेंगे। पूरे दुनिया जानता है मैं महिला को कैसे सम्मान करता हूँ। आप ऐसे मुझे समझा रहे, मैं आरोपी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। मैं भोलेनाथ माँ का माँ पार्वती भक्त हूँ, ऐसा मत बोलिए मैडम। मैडम, जो मैं जो सच है, जो आपने खुद कहा, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, यही तो बात है। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा मैं सीबीआई का जान चेहरा ऑर्डर दे दिया, और गुलाब जो लोग आंदोलन कर रहा है उन लोगों को लीलाज करना चाहिए, सारे लोगों जितना लोग बाहर आए। क्यों देना पड़ा सीबीआई का आदेश? ममता जी ने क्यों नहीं दिया? एक सवाल रुबिका जी इनसे पूछिए कि जहां पर उसकी डेड बॉडी हुई, उसके बगल के कमरे में मरम्मत का कार्य क्यों शुरू हो गया? एक सवाल इनसे पूछिए, बताइए बादल देवनाथ जी, बताइए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं नंद विजय जी। सुनिए, ये सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। बगल के कमरे में रेनोवेशन का काम कौन कौन जाहिल कर सकता है ये बताइए, और क्यों करेगा? हाँ ठीक, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है। जो लोग ये जो रेप करते हैं, जो लोग हत्या करते हैं, इसके लिए पूरे बंगाल का, पूरे देश का माँ बहन का बदला होता है। मैं तो पहले ममता बनर्जी मतलब बंगाल नहीं होता है, ममता बनर्जी मतलब टीएमसी की नेता होती है। आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं बादल देवनाथ जी, एक बड़ी खबर आ गई है और एक बड़ा बयान आ गया है। पहले वो बयान सुनिए और कायदे से सुनिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। बयान सुनिए, इम्पोर्टेंट बयान एक डॉक्टर का, सुनिए, मुंह पर हाथ लगाइए और कान पर इस तरीके से हाथी की तरह कान लगाइए और सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इट्स आवर कलेक्टिव ओपिनियन that there is every possibility of involvement of multiple rapists. It's our collective opinion that there is every possibility of involvement of multiple rapists. डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी की बाइट आपने सुनी, ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है। बादल देवनाथ जी ये कह रहे हैं कि पूरी गुंजाइश है कि बच्ची के साथ रेप एक ने नहीं बहुतों ने किया हो, गैंग रेप हुआ हो। मैडम एक बोल, मैं की बोल रहा हूँ जो गैंग रेप नहीं हुआ, मैंने बोल, मैं की बोल रहा हूँ मैं उसका रेप नहीं हुआ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं उनका हत्या नहीं हुआ, मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं। मैं हर चैनल में, हमेशा चैनल, आपका चैनल में मैं पास में बोल रहा हूँ उसका रेप हुआ, जिन्होंने किया, एक जो पहला व्यक्ति था उसको गिरफ्तार किया और सारे व्यक्ति के अरेस्ट करने के लिए जान छोड़ा है। इसके लिए सीबीआई के लिए ममता दीदी ने कुछ कहा, मैं संडे तक देखूंगा, उसके बाद सीबीआई जान देगा। उसके पहले हाईकोर्ट ने राय दे दिया, निर्देश दे दिया, सीबीआई जांच होना चाहिए और सीबीआई जो सुबह से लग गए जांच करने के लिए। और दूसरा जो मैं जो बोल रहा हूँ, सारे हजारों लोग जो इलाज के लिए अस्पताल के बाहर आए, जो लोग आप बोल चुके हैं, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया भाई तुम लोग आप कुछ और बोल रहे हैं, आपसे सुनना कुछ और चाह रही जनता। ये बताइए कि ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है, ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है, बाकी जो इनके एमपी उनका स्टैंड क्या है वो बताइए। आपका भाषण थोड़ी सुनने आया कोई यहाँ पर, आपने पार्टी का स्टैंड बताइए कि पार्टी के लोगों का क्या स्टैंड है इस पे। अभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। देखिए एक डॉक्टर स्टेटमेंट दे रहा है, बट आपके यहाँ कोई एमपी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। आपके बात का क्या वैल्यू है?
जो एमपी है, जो चीफ मिनिस्टर, जो चीफ, अरे भाई आप ठीक है, आपके पास स्टैंड माना, चलो आप जो, आप जो जो स्टैंड ले रहे, आपके चीफ मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है वो बताइए। आपके यहाँ महिला क्यों नहीं दे रही है? आपके बड़े 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 लीडर क्यों नहीं है जो बार बार जाके बातें उठाते हैं, खड़े रहते हैं, मार्च कर देते हैं? आज क्यों नहीं मार्च कर रहे हैं? उन सभी लोगों के साथ समझ नहीं रहे ना बादल देवनाथ जी, ना आप समझेंगे ना बहुत से लोग इस बात को समझेंगे। फुल फ्रेम ममता बनर्जी का हाथरस के मार्च वाला फोटो दिखाइए। रुकिए बादल देवनाथ जी, नहीं बहुत हो गया, नहीं नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर। ममता बनर्जी की कौन इज्जत नहीं करता है? क्या गजब की महिला है, बोल्ड औरत है, लेकिन बोल्ड फैसले जब लेने होते हैं उनके राज्य में तो क्यों चुप्पी? ये अभी जो उन्होंने ऐसे मास्क लगाया हुआ है ना, आज के हालात में ऐसा ही लग रहा है कि ममता दीदी ने मास्क लगा दिया है, कुछ बोलने को राजी नहीं है। ये देखिए तादाद में हजारों लोगों को लेकर मार्च में निकली थी। ये मार्च किस लिए था बादल देवनाथ जी, किस लिए था ये मार्च? हाथ में तिरंगा लेकर क्यों निकली थी ममता बनर्जी? हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए, हाथरस की बेटी को न्याय के लिए आप पैदल मार्च करेंगे, और कोलकाता की बेटी को इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा इंसाफ? रूबिका मैडम आप भी बहुत अच्छी बोलते हैं, भुवा मित्र का पुष्टिकरण की राजनीति है वहाँ पर, आप कह दीजिए ना, आप कह दीजिए पुष्टिकरण की राजनीति, बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है। जो जो इस तरीके के बयान देती फिरे कि वो सामने वाली बिजी थी, किसी का पजामा पकड़े हुए, मैं उस महिला से महिलाओं के फेवर में बोलने का तो कोई तवक्को रख ही नहीं सकती हूँ। बट नाउ कमिंग टू माई पॉइंट, तहसीन पूनावाला, आप अक्सर इंडिया ब्लॉक का समर्थन करते हैं जी, ये सब के सब कहां है मुझे ये बताइए, वेयर इज एवरीबॉडी? 6 दिन बाद ट्वीट करते राहुल गांधी, कहां बिजी थे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री? कहा है वो तो 6 दिन बाद भी नहीं किए ट्वीट, देश कौन चला रहा है? आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से काहे ट्वीट कर रहे हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको भी भरोसा राहुल गांधी पर, प्रधानमंत्री पर नहीं, मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनके दोहरे रवैये पर सवाल कर, और प्रधानमंत्री जी का तो कोई रवैया नहीं है ना, हाथरस पे ना हाथरस पे ना उन्नाव पे ना कोलकाता पे। आप मुझे बता दीजिए किसी एक स्टेट को लेकर प्रधानमंत्री ने इस तरीके की कोई, मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी हाथरस पे भी बोलते हो, कोलकाता में इंडिया लाइन पे, कल को आप राहुल गांधी संवैधानिक पद पे एलओपी है, वो भी एलओपी है, वो भी एलओपी है, तो गृहमंत्री का काम क्या है? अरे सेबी पर भी बोल ही रहे हैं ना, गृहमंत्री का काम सेबी पर बोल रहे हैं। आईएमए ने गृहमंत्री को कहा कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे? आईएमए ने गृहमंत्री को मुझे बताइए, हाथरस पर आप लोग चीख चीख कर और कोलकाता में भी कांग्रेस जमीन पर, इंडिया नया इंडिया देख लीजिए, कांग्रेस पे भी कहा लोकतंत्र, और कांग्रेस कोलकाता पे भी जमीन पर है। प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट किया, राहुल गांधी ने, बिल्कुल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कांग्रेस जमीन पर है, हाथरस में भी थे, कोलकाता में भी थे। इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ना कोलकाता में एक्ट करते हैं ना उनके स्टेट में एक्ट करते, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को छोड़ के वो फॉलो ही नहीं करते ना, मैं वही कह रहा हूँ, देश को नहीं फॉलो करना चाहिए इनको, इनको हटाइए। आप भागिए मत ना उस सवाल से, बताइए मैं कहाँ भाग रहा हूँ। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री को कहा हमें सुरक्षा दे, क्या गृह मंत्री ने जी दिया? हाथरस में पुलिस ने रोका था, गए थे कि नहीं गए थे? अब यहाँ जाएंगे पश्चिम, संदेश कॉली में भी गए थे, रोका था पुलिस ने, कांग्रेस को रोका था अधीर रंजन चौधरी, और आज भी है, आज भी कांग्रेस जमीन पे एकदम ही दरकिनार, बिल्कुल नहीं सम्मानित नेता है कांग्रेस के वो आदमी, आज की तारीख में आज भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है वेस्ट बंगाल में, सम्मानित है, बताया भी नहीं, वो तो कांग्रेस का इंटरनल किसको अध्यक्ष बना रहा है, वो नहीं अध्यक्ष किसको, वो आज भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के झंडे के नीचे, जीत भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा, नहीं वो लड़ रहे कांग्रेस के, महिलाओं के मसले पर आप लोग आवाज तक नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आपकी सियासत सूट करती है, मैं आपको ये सवाल अगर मैं आपको डन कर दूं कि चलो कांग्रेस, सुनिए मैं एक डन कीजिए, हां रूबिका जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, डन करता हूं, अब आप पूछिए इनसे, अब पूछिए, चलो कांग्रेस गलत है, चलो एटलीस्ट ट्वीट किया, देर से क्या किया, राम रहीम वापस बाहर आए, आसाराम कल बाहर आ रहे, पूछे इनको वापस करेंगे पैरोल कैंसिल, करेंगे पूछिए ना, अरे नहीं पूछिए ऑन एयर पूछिए, पूछिए पूछिए ना, मुझे कोई डर है क्या? जवाब नहीं देंगे वो, मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगी, राम रहीम और आसाराम पे स्पेसिफिक जवाब, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने 6 दिन लेट किए लेकिन किया, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने 6 दिन लेट किया लेकिन किया, प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया, अब राम रहीम और आसाराम पे बोले, अरे भाई प्रधानमंत्री ने और किस मसले पर ट्वीट कर दिया, किसी पर नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज़ देयर इज अ रीजन, गृहमंत्री का काम क्या है? अच्छा गृहमंत्री का काम संभालेंगे ना, मंत्री का काम क्या ठीक है, वेस्ट बंगाल देश का हिस्सा नहीं है, नहीं नहीं ऑफ कोर्स है, उत्तर प्रदेश नहीं है, आक्रोश नहीं है, उन्नाव नहीं है,
सीबीआई को वहां जाना ही होगा तो कुछ करना पड़ेगा। संदेश खाली पे क्यों किया था प्रधानमंत्री ने? आप लोग करते क्या हैं? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी गलत है, 6 दिन बात के लिए गलत है। अब मैं पूछ रहा हूँ आसाराम जी पे बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता बोले गलत है, बोले आसाराम का गलत था, बोले सिर्फ इतने 4 लाख शब्द बोले। आसाराम को डॉक्टर ने मेडिकल मेडिकल ग्राउंड पे 7 दिन के आसाराम पे बोलिए सर, उनके इलाज के लिए। अब वो जेल में, नहीं नहीं नहीं, जेल में बंद आदमी उसको दंडित ऑलरेडी सर कानून के, नहीं नहीं आसाराम पे तो बोल रहे, और किस पे? दिमाग कहीं और है क्या आपका? उसी पे कह रहे हैं दरअसल मेडिकल ग्राउंड पे, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, वो डॉक्टर के एडवाइस पे गया है और इलाज के लिए, नहीं नहीं इलाज के लिए गया है। और अच्छा, दूसरी बात पे जो आपको सवाल किया गया, आप तो उछल उछल के, नहीं नहीं उछल उछल के बात करते रहते हैं जब हाथरस की बात, लेकिन यहाँ क्या हुआ? आपके सारे इंडी ब्लॉक के लोग कहाँ गए? नहीं नहीं इंडी ब्लॉक के कहाँ लोग गए वो आप कोर्ट से पूछिए। पेरोल खराब है सर, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी की 6 दिन बाद लेट आए, आप राम रहीम पे बोलिए ना, क्यों बारे वो? नहीं नहीं, और गृह मंत्री साहब ने क्यों नहीं बोला इस पर, वो बताइए। कोर्ट का देश की सुरक्षा गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री की जरूरत है या नहीं है? पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री राम रहीम किसके, कौन हमारा लीडर है? नहीं नहीं कौन हमारा लीडर है? भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है, मतलब पूरी लीडरशिप उसके साथ खड़ी है। देखिए सामने दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? आप कहाँ पर है? आप कहाँ ना कहाँ पर है? आप जरा बताइए, ममता बनर्जी को लाइए, मार्च कराइए ममता बनर्जी का, जुड़ चुके हैं आप राम रहीम को लाइए, आप ऐसे और लोगों को लाइए, चाहे वो राम रहीम हो या आसाराम हो, मैं तो बापू भी नहीं कहती ऐसे शख्स को। बहुत क्लियर उस मामले में, अगर महिलाओं के खिलाफ किसी ने अपराध किया है तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। कोर्ट के प्रोसीजर के तहत इन दोनों को पैरोल मिल गई है। अब इस पैरोल में अगर सियासत है तो डील कीजिए, होना भी चाहिए कि कोई सियासत ना हो। लेकिन आप ये पूरा का पूरा मामला आसाराम और दूसरे जो है उसको गुरमीत राम रहीम, उस पर क्यों आप डालना चाह रहे हैं? क्यों ममता बनर्जी पर आज बात करने से आप डर क्यों रहे हैं? आप ममता बनर्जी गलत है, उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी सरकार, बिल्कुल गलत क्या होता है? उन्होंने सरकार को, सरकार ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, आप क्या उधर की तरफ जा रहे हैं? 7 दिन बाद सरकार ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी जिम्मेदारी बनती है। दो चार लाइन बोलिए। हाँ देखिए, मणिपुर पर मैंने 10-10 शो किए हैं, समझे आप? झूठ मत बोलिए आप, मणिपुर पर 10-10 शो किए हैं। हाथरस के ग्राउंड पर आप गए हो नहीं गए? रूबिका लियाकत हाथरस में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, घंटों वहां से एंकरिंग किए मैंने। मुझे इन सब चीजों में आप लपेटने की कोशिश मत कीजिएगा। और वहां जब बबीता, जब विनेश फोगाट बैठी हुई थी, तब भी मैं वहां जंतर मंतर पर गई थी। महिलाओं के मामले में डू नॉट ट्राई टू क्वेश्चन मी मिस्टर, डू नॉट ट्राई टू क्वेश्चन मी, मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रही हूँ, मुझे इस मामले में किसी तरह से कोई लपेट नहीं सकता है। यहाँ कोई सियासत मेरे सर नहीं चढ़ सकती है। मणिपुर पर आपको पता ही नहीं है कि मणिपुर पर मैंने कितनी डिबेट की है? यहाँ बैठकर खाली बातें कर रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं ममता बनर्जी को इसलिए बख्शूं क्योंकि वो महिला है? क्यों बख्शूं मैं ममता बनर्जी को? इकलौती महिला है पूरे देश में एक राज्य की, और उनकी नाक के नीचे इतनी बार-बार हिंसा होती है। वहाँ संदेश खाली में महिलाओं के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध होते हैं, और आप लोग ममता 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 इसके आगे निकल नहीं पाते हैं। भाजपा के लिए आप, भाजपा के लिए शर्म नहीं आती है आपको? बार बार बता रही हूँ मैं, जहाँ जिस तरीके से महिलाओं के साथ केस होगा, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन यू सर, नोबडी कैन स्टॉप मी, कोई नहीं रोक सकता है। आप कीजिए चरण वंदना जितनी आपको करनी है, कीजिए जी भर कर चरण वंदना कीजिए, लेकिन महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ महिलाओं से रेप के मामले में, मैं बार बार कह रही हूँ कोई दूध का धुला नहीं है। मैडम ने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की है, लेकिन आपका जो दोहरा रवैया है ना, मैं उसे माफ करने को राजी नहीं। आपका जो टैलेंट क्या है, वो बंगाल बंगाली ममता बनर्जी का बदनाम करना, हाँ बस यही कहिएगा। आप बंगाल के खिलाफ है, सुनिए सर, बंगाल के खिलाफ आप लोग हैं, विक्टिम कार्ड मत खेलो देवनाथ जी, बंगाल के खिलाफ
बंगाल की महिलाओं के खिलाफ आप लोग रूबिका जी इन लोगों की के आगे अंधे हो गए। अनंत विजय जी आवाज कम करिए। रूबिका जी दरअसल इन लोगों का प्रयास ये होता है कि किसी तरह कभी मणिपुर बोल दो कभी कुछ बोल दो इस पर चर्चा ही ना हो, इसीलिए इस तरह के प्रवक्ता भेजे ही जाते हैं कि ऐसे चर्चा को डाइवर्ट कर दो कि उस पर चर्चा जो आज ममता बनर्जी पर चर्चा करो। मैं अभी तहसीन जी को सुन रहा था, आज बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने खुले शब्दों में कहा, लेकिन जैसे ही कहने के बाद पर और लेकिन लगा देते ना सियासत का बीज वहीं से पड़ जाता है। आप बताओ ना इंडी ब्लॉक को या जितनी भी बातें अभी हुई हैं कि उसकी क्या आवश्यकता। अभी तो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में रेप कांड पर और उसके बाद सरकार का उसके बचाव में उतर जाना, पूरी पुलिस महकमे को क्वेश्चन करना चाहिए। हम लगे हुए हैं कि किसने क्या कहा, अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि कल को अखिलेश यादव जी ने कोई ट्वीट किया क्या ममता जी के साथ रैली करने के बाद, उनके भी जेवर तालू में चिपक गई। हर चीज पर ट्वीट करने वाले, हर प्रकार का ऑफर देने वाले अखिलेश यादव महिलाओं के मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं। चलो उत्तर प्रदेश में आप खामोश रहते हो, आपका MY समीकरण बिगड़ने का डर है, लेकिन बंगाल पर तो बोलो। पूरे देश को जब तक एक स्वर में नहीं बोलेंगे आप लोग तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। तहसीन भाई आज किसी भी किंतु परंतु से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनकी लानत मलामत से भी कुछ नहीं होगा, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए संविधान की शपथ लेकर। आज कहां गए सारे वो लोग जो संविधान लहराते थे? क्या संविधान में महिलाओं को अधिकार नहीं मिले? क्या संविधान में JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कोई कार्रवाई हो रही है क्या बंगाल में? कोई ये बता दे, क्योंकि अपडेट देना भी जरूरी है। ये जो तस्वीरें हैं वो आरोपी है ना, उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले गए थे और उसके बाद जब उसे लेकर गए हैं तो ये देखिए किस तरीके से मीडिया कर्मी तो तस्वीरें लेने के लिए जा रहे हैं लेकिन लोग भी जानते हैं कि अंदर जो है हैवान बैठा हुआ है। घटना स्थल पर इस वक्त CBI की टीम लेकर पहुंची है, लेकिन जवाब दे दीजिए तहसीन को ना। ये एक अक्यूज नहीं है, ये बहुत क्लियरली गैंग रेप का केस है। जितना स्पर्म मिला है उससे पता चलता है गैंग रेप का। जिस तरह से तांगे तोड़ी गई वो रिपोर्ट पढ़कर आपके और आंसू आती है। और मैं एक चीज़ आपके बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मेरे हो मणिपुर पे आपने मुझे पूरी इजाज़त दी थी, आपके शो पे मुझे शिरकत करने का मौका मिलता और बहुत कठिन सवाल आपने उठाए थे, मैंने उसमें भाग लिया था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप अपनी बेटियों को कैसे मुँह दिखाएंगे बादल देवनाथ जी? मैं जानती हूँ आप सुनिए बादल देवनाथ जी, सुनिए आप मेरे साथ बहुत डिबेट में बैठे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप औरतों की इज्जत नहीं करते, मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं। आपने मुझे कभी अपने पहले नाम से भी नहीं पुकारा है, रूबिका मैडम कहकर आप हमेशा मुझे एड्रेस करते हैं। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो आप अपनी मैडम को बचाने की कोशिश में बाकी बच्चियों को इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। सोच विचार कीजिए, ये बेटियों का सवाल है, ये देश के मुस्तकबिल का सवाल है।